बेटा, हमने अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की स्टडी की थी। अब हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टू मेटलर्जी, है ना। ये एक ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में कैसे हमारी हेल्प करता है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इलेक्ट्रो मेटलर्जी होती क्या है। मेटलर्जी का नाम अब तक आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, क्योंकि हम चैप्टर के एंड तक आ गए हैं। तो मेटलर्जी क्या होती है ये तो आपको पता ही है। एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज साल्ट्स, है ना। इलेक्ट्रो हेयर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड साल्ट्स। फ्यूज साल्ट्स का मतलब यहां पे जो सारे साल्ट्स उसके अंदर मिले हुए हैं, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज साल्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मेटलर्जी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो मेटलर्जी बोलते हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक ओर से मेटल निकाल के देखते हैं एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना हम लोग करके देखते हैं, ठीक है भाई। अब जो फ्यूज एलुमिना होता है दैट इज Al2O3, Al2O3 हेयर इज फ्यूज एलुमिना। मैंने इसको क्या बोला, फ्यूज एलुमिना। इसमें इंप्योरिटीज भी हैं, बहुत सारे साल्ट भी हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है भाई। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अकेले अगर मैं मेटल की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, तो नो डाउट अच्छा कंडक्टर है, बट फ्यूज एल्यूमिना इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम अच्छा बनाने के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसमें हम लोग क्रायोलाइट, क्रायोलाइट है ना, दैट इज Na3AlF6, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पर दैट इज CaF2, CaF2 है ना, क्या बोलते हैं इसको, FLUORSPAR, फ्लोरोस्पर, है ना। क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर हम इसमें क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर तो बने ही बनेगा, और उसके साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होएगा, रिड्यूस हो जाएगा अप्रोक्स 1140 केल्विन तक, है ना। तो हमने क्या क्या कहा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एलुमिना से, और जो मैंने फ्यूज एल्यूमिना लिया दैट इज Al2O3, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था। इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या डाला, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर डाला। क्रायोलाइट क्या था भाई, Na3AlF6, फ्लोरोस्पर क्या था, CaF2। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर तो बनाएगा ही बनाएगा, किसको, फ्यूज एल्यूमिना को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और कहां तक ले आएगा, 1140 तक ले आएगा। एंड बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्यूरिफाइड एल्यूमिना, है ना, एंड क्रायोलाइट, नोट करना बात को, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्यूरिफाइड एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट इज कॉल्ड हॉल हिरोल्ट प्रोसेस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉल हिरोल्ट प्रोसेस बोलते हैं, है ना, हॉल हिरोल्ट प्रोसेस, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन हम लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। हॉल हिरोल्ट प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है, किससे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्योरिफाइड एलुमिना, एलुमिना आपको पता है क्या होता है, एंड क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी आपको पता है क्या होता है ना। इन दोनों का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उससे जो एलुमिनियम ऑब्टेन करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉल हिरोल्ट प्रोसेस, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फिलहाल डिस्प्ले, सॉरी, जो डिस्प्ले पे आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम प्यूरिफाइड एलुमिना, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का फ्रॉम प्यूरिफाइड एलुमिना। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन मास इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, कौन से सेल में, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, जिसमें क्या होता है, मेड ऑफ आयरन यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, जो किसका बना हुआ है, आयरन टैंक है, यहां पे आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा का पूरा आयरन टैंक है ना। इलेक्ट्रोड किसके हैं, इसमें कार्बन के हैं, ये जो इलेक्ट्रोड डिप हैं भाई,
ये भी कार्बन एनोड की तरह काम करेगा। और मैंने यहाँ पे इस आयरन का जो टैंक है उसके अंदर की जो बाउंड्रीज हैं उसको क्या कर रखा है, उस पर कार्बन लाइनिंग कर रखी है। यहाँ पे लिख रखा है देखो, कार्बन लाइनिंग विच विल एक्ट एज कैथोड, है ना। देखो यहाँ से मैंने आपका इलेक्ट्रोड का वायर निकाल दिया, इधर दूसरा निकाल दिया, तो आपका पूरा का पूरा सेटअप आपको समझ आ गया होगा। ये जो डिप कर रखे हैं कार्बन एनोड है जो लाइनिंग कर रखी है, दैट विल एक्ट एज कार्बन, जो कार्बन लाइनिंग है वो किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी। द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ पाउडर्ड कॉक टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन, है ना। जो सबसे ऊपर का जो आपको ये लाइन दिख रहा है ये वाला, हम इसको कवर करते हैं किससे, पाउडर्ड कॉक से। किससे कवर करते हैं, पाउडर्ड कॉक से कवर करते हैं। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। ऑक्सीडेशन से और लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस पूरे सेटअप को मैंने ऊपर पाउडर्ड कॉक से क्या कर दिया भाई, कवर कर दिया है ना। द टेम्परेचर ऑफ द बाथ इज मेंटेन्ड अराउंड 1173 केल्विन। पूरे के पूरे सेटअप का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 1173 केल्विन के आसपास, ठीक है। जो रिएक्शन होंगी वो इसमें क्या क्या होंगी, रिएक्शन देखें। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक जगह आपका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी जगह आपका क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। तो वो मैं आपको समझा रहा हूं कैथोड के ऊपर क्या होगा। सेल आपकी कोई भी हो, आपको पता है कैथोड पे क्या होना है भाई, रिडक्शन होना है। तो कैथोड का जो रिडक्शन प्रोसेस यहां पे होगा वो होगा Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Al में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Al यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपके पास, Al में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड के ऊपर जो जो प्रोसेस पॉसिबल है वो क्या क्या होंगे, आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा, तो कार्बन आपका रिएक्ट करेगा O2 नेगेटिव के साथ और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Co+2 इलेक्ट्रॉन्स में। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास यहां मैं ऑक्सीजन को थोड़ा सा एक्सेस में ले लूं तो CO की जगह क्या बन जाएगा बच्चे, CO2 बन जाएगा। इसमें आपको पता है कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने यहां पे सिर्फ 1 मोल O2 नेगेटिव का लिया तो CO बना, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर रहेगी तो आपको पता है क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन से, है ना। और थोड़ा सा अगर मैं ऑक्सीजन को एक्सेस में ले लेता हूं तो क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा। तो ये कैथोड और एनोड के प्रोसेस होंगे। कैथोड पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपका सेल कोई भी हो, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सेल आपका कोई भी हो उसपे कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो हॉल एरोल्ड प्रोसेस की आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखनी है, इसका डेफिनेशन ध्यान रखना है, और जो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप है आपको इसको ध्यान रखना है। नीचे आउटलेट है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने का, बाहर निकालने का, ठीक है बच्चे। इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। फॉर ईच केजी ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड, हर 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के साथ आधा किलो कार्बन एनोड इज बर्न अवे, है ना। आधा किलो जो कार्बन का एनोड है वो मेरा जल जाता है। बिकॉज ऑफ दिस द एनोड हैव टू रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए हमें एनोड को क्या करना है, रिप्लेस करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है भाई। द एल्यूमिनियम मेटल लिबरेटेड एट द कैथोड मेल्ट्स एट द हाई टेम्परेचर ऑफ द टैंक। जो आपका एल्यूमिनियम मेटल लिब्रेट होगा कैथोड के ऊपर वो क्या करेगा, जो हमारा टोटल सिस्टम का टेम्परेचर था 1173 केल्विन, उसके ऊपर वो मेल्ट हो जाएगा। द मोल्टन मेटल बीइंग हैवियर देन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द टैंक फ्रॉम वेयर इट इज विदड्रॉन पीरियोडिकली थ्रू द टैपिंग हॉल। इसने क्या कहा, पहली बात तो ये बताई कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए आधा किलोग्राम क्या होएगा, कार्बन जल जाएगा। इसके लिए मुझे जो मेरे पास यहाँ पे जो एनोड है इनको बार बार क्या करता रहना पड़ेगा, चेंज करता रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और जो आपका पूरा सिस्टम का टेम्परेचर था 1173 केल्विन, उसके ऊपर जो कैथोड के ऊपर जो मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होगा, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और हैवी होने की वजह से, इंप्योरिटीज के कंपेरिजन में हैवी होने की वजह से वो टैंक के नीचे बैठ जाएगा। और नीचे मैंने टैपिंग होल लगा रखा है, आउटलेट लगा रखा है, जिससे मैं एल्यूमिनियम को क्या कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये टोटल आपका हॉल एरोल्ड प्रोसेस था, जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है भाई, इस पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप दिमाग में रखना है, रिएक्शन दिमाग में रखनी है, एनोड को बार बार क्यों चेंज करते रहेंगे ये दिमाग में रखना है ना। और आपका ये जो सबसे ऊपर जो पाउडर कोक डाला जाता है ये क्यों डाला जाता है ये दिमाग में रखना है, और इससे ज्यादा आपको कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस प्रोसेस से हम लोग जो मेटल ऑब्टेन करते हैं वो लगभग आपका 99.9% प्योर मेटल हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई।
उसके बाद मैं एक बार फिर बता देता हूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्रायोलाइट फ्लोर्स पर एक एक नंबर में इनके फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। एनोड कैथोड की आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, और टैंक में क्या प्रोसेस होता है और क्या उसका डायग्राम होता है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स। ठीक है, इसमें बता दें हम आपको कि कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी। एक नया नाम आया यहां पे, दैट इज हाइड्रो मेटलर्जी। ठीक है, नाम को समझे पहले। हाइड्रो का मतलब आपको दिमाग में होगा वाटर का, यहां पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स, द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का बाय डिजोल्विंग द ओर को डिजोल्व करें किसमें, इन ए स्टेबल रिएजेंट। किसमें डिजोल्व करें, और को एक स्टेबल रिएजेंट में डिजोल्व करें, फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल बाय ए मोर रिएक्टिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। जिसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल से कम रिएक्टिव मेटल का, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय डिजोल्विंग द ओर इन ए स्टेबल रिएजेंट फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल बाय ए मोर रिएक्टिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। जो हमने पीछे जो प्रोसेस पढ़ी थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर की, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोथ बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। तो हाइड्रोमेटलर्जी का आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 से 5 नंबर बोर्ड का जरूर कंटेन करेगा। ठीक है, कंपटीशन में एक आधा क्वेश्चन हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं घुसना है इसके, सिर्फ अपना जितना सिलेबस में है। क्योंकि वैसे अगर मैं आपको बता दूं बेटा, मेटलर्जी एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है ना, इंडस्ट्री लेवल में जितने भी ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटलर्जी से ही करते हैं, तो जितना डिटेल में जाता जाओगे इनका एंड नहीं है। तो हमें एक सिलेबस की लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसको रीड करना है, जितना अपने काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो हाइड्रोमेटलर्जी का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जब आपको मैं ये जो हॉल एरोल्ड प्रोसेस के जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल बाय ऑक्सीडेशन और मिलेगा, है ना, जो देखते ही वैसे आपको समझ में आ जाएगा, सेम वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बातें हैं। लेकिन वहां पे एक वर्ड आएगा, दैट इज ओवर वोल्टेज, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, है ना। क्या वर्ड आएगा, ओवर वोल्टेज। हम ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाने की बजाय सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं। ओवर वोल्टेज क्या होगा, दैट इज द लिबरेशन ऑफ गैसेज रिक्वायर सम एक्स्ट्रा वोल्टेज। लिबरेशन ऑफ गैसेज जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। ठीक है, क्या बताया, लिबरेशन ऑफ गैसेज के लिए जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है उससे कुछ मुझे ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओवर वोल्टेज बोलते हैं या फिर बबल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बबल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, इजी सा प्रोसेस है, तो वहां पे आपको ये नया वर्ड मिलेगा, ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज। और उसके बाद अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोथ बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एग्जाम्पल देखें, तो मैक आर्थर प्रोसेस जो था, साइनाइड वाला जो प्रोसेस था गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। तो मैं आपको एक बार सारा 2 मिनट का रिकैप दे दूं, क्या क्या हमें याद रखना है। हॉल हिरोल्ड, जो आपका हॉल हिरोल्ड प्रोसेस था उसको अच्छे से याद रखना है, उसकी जो आपकी इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, डायग्राम ध्यान में रखना है, 2-4 जो क्वेश्चन बन रहे थे वहां पे, कि आपकी जो पाउडर कोक है उसकी लेयर ऊपर क्यों डाली जाती है, बार बार हम एनोड को क्यों चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, वो सब आपको दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी का डेफिनेशन आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी क्या क्या होते हैं। ओवर वोल्टेज और बबल वोल्टेज का डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग रिफाइनिंग की स्टडी करेंगे, और रिफाइनिंग जो है वो अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रिफाइनिंग के साथ ही हम चैप्टर को भी एंड कर देंगे भाई। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक बार सारा का सारा चैप्टर रिकैप करेंगे नोट्स के जरिए। ठीक है, तब तक आप जितना होता जा रहा है उतने के टच में रहें, ज्यादा
टेंशन ना लें, जितना कंटेंट मिल रहा है उतने को ही पढ़ें। मैं फिर से बता रहा हूं, मेटलर्जी चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डिटेल में इसके चले जाओ, लेकिन हमें फिलहाल क्या करना है, अगर मैं बोर्ड की भी बात करूं तो सिर्फ हमारा मेन मोटो है अच्छा स्कोर करना, और अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो वहां पे नीट और आईआईटी में सिर्फ हमें सीट पक्की करनी है भाई, है ना। तो उसके लिए जितना सफिशियंट है उतना ही पढ़े, क्योंकि छोटा सा दिमाग है, इस पर ज्यादा प्रेशर डालने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिफाइनिंग। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू।